नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक दो कमरे के स्कूल में नई व्यवस्था होगी लागू, अलग अलग शिफ्ट और स्लॉट के जरिए होगी पढ़ाई। स्थानीय जनप्रतिनिधि स्कूल की टाइमिंग करेंगे तय। बिहार में तापमान में आई गिरावट, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में बारिश की है संभावना, अन्य जिलों के मौसम रहेंगे शुष्क। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे सुरक्षा के खास इंतजाम, सुरक्षा के लिए होगी 4 स्तरीय व्यवस्था। दर्शकों को 2 घंटे पहले स्टेडियम में QR स्कैन कर मिलेगा प्रवेश। छठ में आसमान छू रहा फ्लाइट का किराया, किराए में 25 से 60% तक की हुई बढ़ोतरी। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में भरेंगे उड़ान, पीएम मोदी का दावा हुआ खोखला। बिहार में छठ के कारण बंद रहेंगे बैंक, 4 दिन तक बैंकिंग कार्य नहीं कर पाएंगे लोग, जानिए कब कब बैंक रहेंगे बंद। तत्काल टिकट बुकिंग में इन बातों का रखें ख्याल, कंफर्म मिलेगी टिकट, 1 दिन पहले बुक करनी होती है तत्काल टिकट। भारतीय टीम की हार पर निराश हुए कप्तान, रोहित शर्मा ने हार के लिए जिम्मेदारी, पहली बार भारत घरेलू टेस्ट सीरीज में हुआ क्लीन स्वीप। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी में 7,401 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने BSc नर्सिंग किया हो। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे राजगीर में स्थित रोपवे की। ये 8 सीटों वाला रोपवे है जहां 18 केबिन मिल जाएंगे। इस पर बैठकर आप पहाड़ और वादियों की खूबसूरती को निहार सकते हैं। इस रोपवे पर बैठकर आप विश्व शांति स्तूप तक पहुंचेंगे। ये शांति स्तूप भगवान बुद्ध के शांति और विश्व संघ के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। रोपवे से शांति स्तूप तक पहुंचने का रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यदि आप कभी राजगीर जाते हैं तो इन पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं। आगामी 11 नवंबर से राजगीर में आयोजित होने वाली विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेल परिसर में सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था की जाएगी जिससे बिना पास किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। दर्शकों को 2 घंटे पहले स्टेडियम में आने की अनुमति होगी और सीट भर जाने पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने बताया है कि खिलाड़ियों के लिए 1 लेन रिजर्व रहेगी जबकि दर्शकों के लिए 2 लेन रहेगी। विभिन्न गेट्स के माध्यम से अलग अलग श्रेणी के लोगों को प्रवेश मिलेगा। मैच के दौरान 11 मैच होंगे और खाद्य स्टॉल, शौचालय और जल व्यवस्था की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। दर्शकों को QR कोड स्कैन करके स्टेडियम में प्रवेश मिल सकेगा। BPSC 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा CC 2024 के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आपको आधिकारिक वेबसाइट onlinebpsc.bihar.gov.in या bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास एक OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल होनी जरूरी है। पहले आवेदन की तारीख 18 अक्टूबर थी जिसे बढ़ाकर 4 नवंबर किया गया है। इस दौरान उम्मीदवार अपने OTR विवरण को अपडेट कर सकते हैं लेकिन नाम, माता पिता का नाम और जन्मतिथि में कोई बदलाव नहीं कर सकते। 70वीं CC परीक्षा में अब 70 नई रिक्तियों के साथ कुल 2027 पद होंगे और परीक्षा 13 से 14 दिसंबर को होगी। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क ₹600 है जबकि अन्य वर्गों के लिए ये ₹150 है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऐसे स्कूलों में जहां एक ही कमरे में कई कक्षाएं चलती हैं वहां नई व्यवस्था लागू की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S. सिद्धार्थ ने बताया है कि अलग अलग शिफ्ट और स्लॉट के माध्यम से पढ़ाई का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। हेडमास्टर और शिक्षक तय करेंगे कि किस शिफ्ट में कौन पढ़ाएगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2025 से छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन होगी जिसमें सॉफ्टवेयर छात्रों के चेहरे की पहचान करेगा। इससे उपस्थिति में पारदर्शिता आएगी। अभिभावकों और शिक्षकों की बैठकें भी होंगी
जिसमें स्कूलों की टाइमिंग को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय लेकर तय किया जाएगा। राज्य के विकास योजनाओं के तहत वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, सस्मृति स्तूप और पटना समाहरणालय का निर्माण दिसंबर तक पूरा होगा। बुद्ध संग्रहालय में विभिन्न भवन जैसे आगंतुक केंद्र, पुस्तकालय, ध्यान केंद्र, अतिथि गृह और ओपन एयर थिएटर का काम पूरा हो चुका है। 8,550.48 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्मृति स्तूप में 2,000 श्रद्धालुओं के बैठने के लिए विशाल हॉल और 4 द्वार बनाए गए हैं। पटना समाहरणालय का निर्माण 186.42 करोड़ रुपए में हो रहा है, जिसमें मुख्य भवन, जिला परिषद भवन और अनुमंडल कार्यालय शामिल है। इसके अलावा राजगीर में 40,000 सीटों वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम और APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण भी चल रहा है, जिससे युवा वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रेरित होंगे। देश भर में त्योहारों का मौसम है। दिवाली और भाई दूज के समाप्ति के बाद बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। अगले हफ्ते बैंकों में 4 दिन छुट्टी रहेगी। 7 और 8 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को दूसरा शनिवार और 10 नवंबर को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेगा। छठ पूजा के लिए 7 नवंबर को बिहार, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल में और 8 नवंबर को बिहार, झारखंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग या ATM के जरिए भी अपने वित्तीय कार्य निपटा सकते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ 5 नवंबर से नहाय खाय के साथ शुरू होगा। इस पर्व को मनाने के लिए बिहार से बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर, छात्र और कामकाजी लोग अपने घर लौटने के लिए बेताब हैं। छठ के मद्देनजर सरकार ने 7,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाने का दावा किया है, लेकिन बिहार आने वाले अधिकांश ट्रेनों की आरक्षित सीटें पहले ही भर चुकी हैं। कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट सैकड़ों में है, जिसके कारण कई लोग फ्लाइट से यात्रा करने की सोच रहे हैं। हालांकि एयरलाइंस कंपनियों ने किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली से पटना का किराया 23,000 और लखनऊ से पटना का किराया 25,000 तक पहुंच गया है। इस बढ़ते किराए पर लोगों ने चिंता जताई है, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री का हवाई चप्पल वाले भी उड़ान भरेंगे का वादा अब मुश्किल होता जा रहा है। डाक विभाग ने बिहार सर्किल के सभी डाक टिकटों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पिछले 107 वर्षों में लगभग 100 टिकट जारी किए गए, जिन्हें अब वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से देखा जा सकेगा। इसकी शुरुआत 28 नवंबर से होने वाली है, डाक प्रदर्शनी से होगी और इसके बाद ये पटना GPO में स्थायी रूप से उपलब्ध रहेगा। ये पहल युवाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि इससे उन्हें बिहार के इतिहास, कला, संस्कृति और विज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी। बिहार सर्किल ने अब तक 50 से अधिक टिकट ऐतिहासिक विषयों पर और 30 से अधिक कला संस्कृति पर जारी किए हैं। ये डिजिटल सुविधा आम लोगों के लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। बिहार में छठ पूजा को महापर्व का दर्जा मिला है, जो आस्था और भक्ति का संगम है। इस बार भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह ने पहली बार छठ मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह घोषणा करते हुए कहा कि वो पटना में एक हाउसिंग सोसाइटी में इस पर्व को मनाएंगी। अक्षरा ने बताया कि उनका परिवार पहले से ही छठ पूजा करता आया है और उन्होंने बचपन में से इस परंपरा को सीखा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर्व में किसी भी गलती से बचना चाहिए और सभी के लिए खुशियों की प्रार्थना करें। अक्षरा ने बताया कि शादी ना होने के बावजूद वो छठ कर रही हैं और लड़कियों को भी इस पर्व को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने सभी को छठ की शुभकामनाएं दी हैं और अपने गाने को सुनने का आग्रह किया है। त्योहारों या सामान्य दिनों में अगर आपको अचानक यात्रा करनी हो तो जनरल टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में IRCTC की तत्काल बुकिंग सुविधा बेहद काम आती है। हालांकि कंफर्म तत्काल टिकट पाना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि सीटों की कमी और डिमांड अधिक होती है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आपको 1 दिन पहले बुकिंग करनी होती है। AC क्लास के लिए सुबह 10 बजे और स्लीपर के लिए 11 बजे से बुकिंग शुरू होती है। ऑनलाइन बुकिंग का फायदा है कि आपको काउंटर पर लाइन में नहीं लगना पड़ता। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक सक्रिय IRCTC अकाउंट हो और बुकिंग से पहले सभी ट्रेन डिटेल्स तैयार रखें, सभी कैप्चा भरें और सभी जानकारी चेक करें। फास्ट इंटरनेट कनेक्शन का होना भी जरूरी है। यदि ज़रूरत हो तो बुकिंग एजेंट की मदद भी ले सकते हैं। पेमेंट के लिए IRCTC वॉलेट में पैसे पहले से डालें। इस तरह आप आसानी से और तेज़ी से टिकट बुक कर सकते हैं। ध्यान रखें, वेटलिस्ट टिकट कन्फर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर की। मैथिली एक भारतीय पार्श्व गायिका है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत गाने के लिए प्रसिद्ध है।
इन्होंने हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और उर्दू जैसी कई भारतीय भाषाओं के गाने भी गाए हैं। मैथिली कई टीवी शो में भी नजर आ चुकी है, जैसे जी टीवी के लिटिल चैम्प्स और सोनी के इंडियन आइडल जूनियर में। इन्होंने संगीत के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी अपने नाम किए, जिसमें राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार शामिल है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2024 का उद्घाटन 13 नवंबर को होगा और ये 14 दिसंबर तक चलेगा। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने इस संबंध में बैठक की है, जिसमें 14 कोषांगों के गठन की जानकारी दी गई है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और अपराध अनुसंधान विभाग शामिल है। इसके अतिरिक्त पुस्तक मेला, साहित्यकारों की गोष्ठी और गंगा महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा। पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिताएं भी होंगी। सभी कार्यों की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को सौंपी गई है और उन्हें समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। CBSE ने निजी स्कूलों में प्रैक्टिकल, इंटरनल और प्रोजेक्ट असेसमेंट में हो रही अनियमितताओं पर सख्त कदम उठाए हैं। अब स्कूलों को अंक अपलोड करते समय पारदर्शिता बरतनी होगी, जिससे छात्रों के परिणामों में धांधली ना हो सके। बोर्ड ने 200 से अधिक विषयों के लिए नया फॉर्मेट जारी किया है, जिसमें सभी विषयों के अंकों को अलग अलग अपलोड करना अनिवार्य होगा। CBSE ने पाया कि कई स्कूल एक ही अंक दर्ज कर देते थे, जिससे गड़बड़ियाँ होती थी। इस नए नियम से न केवल छात्रों के भविष्य की रक्षा होगी, बल्कि अभिभावकों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे शिक्षा प्रणाली में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹1,198 है। इस प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी के साथ प्रतिदिन केवल ₹3.50 का खर्च आता है। ग्राहक इस प्लान में 3GB हाई स्पीड, 3GB से 4GB डेटा हर महीने, 30 SMS और 300 निःशुल्क कॉलिंग मिनट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा फ्री नेशनल रोमिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे इनकमिंग कॉल पर कोई चार्ज नहीं लगता है। BSNL ने एक और 365 दिन के प्लान की कीमत में कटौती की है, जो अब ₹1,899 में उपलब्ध है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 600GB डेटा शामिल है। ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो BSNL को सेकेंडरी सिम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिहार कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी विपिन कुमार को केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 1996 बैच के इस अधिकारी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहकर ये जिम्मेदारी संभाली है। विपिन कुमार ने बिहार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिसमें बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और जमुई जिलों में जिलाधिकारी के रूप में कार्य भी करना शामिल है। वे दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर और पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। विपिन कुमार मानव संसाधन विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी निभाएंगे। बिहार में ठंडी हवाओं की दस्तक के साथ ही तापमान में गिरावट हुई है। लोगों को सुबह और देर रात ठंड का एहसास हो रहा है। आने वाले समय में ठंड के और बढ़ने की संभावना है। हालांकि आज पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। अन्य जगहों का मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना है। बीते दिन बिहार के कटिहार में गंभीर नाव हादसा हुआ है, जिसमें लोगों से भरी नाव बीच मंझधार में अनियंत्रित होकर पलट गई। ये हादसा मनिहारी थाना क्षेत्र के दिलारपुर केवाला ढाला के पास हुआ, जब लोग परवल के खेत में जा रहे थे। इस घटना में 9 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि खबर लिखे जाने तक 2 लोग लापता हैं। गोताखोरों और SDRF की मदद से लापता लोगों की खोज अभी जारी है। नाव की क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिससे ये पलट गई। लापता बच्चियों में लवली कुमारी और नेहा कुमारी शामिल हैं। उनके परिजन इस हादसे से दुखी हैं। कटिहार पुलिस ने ट्वीट कर घटना की जानकारी दी है और खोजबीन की प्रक्रिया को जारी रखा है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी पर हो रहे उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन सभी 4 सीटों पर जीत हासिल करेगा, क्योंकि जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है। रामगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब महागठबंधन की सरकार थी, तब स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नौकरियों की प्रक्रिया
शुरू हुई थी, जिसे नीतीश कुमार ने रोक दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति आज खराब है, जहां अपराधियों का वर्चस्व है लेकिन सरकार चुप है। तेजस्वी ने भाजपा नेताओं के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी नफरत फैलाने वाली राजनीति अब जनता को समझ में आ चुकी है। बिहार में प्रधानाचार्य की बहाली को लेकर काफी सियासत देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के परिणाम जारी होने पर क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिस पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। विजय चौधरी ने कहा है कि जब तक ये फैसला लिया गया तब एनडीए की सरकार थी और वे खुद शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये निर्णय अगस्त 2021 में लिया गया था, जबकि महागठबंधन सरकार अगस्त 2022 में बनी थी। विजय चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है और बिना आधार के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दस्तावेजी प्रमाण देने का भी आश्वासन दिया। तेजस्वी यादव ने 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति को अपनी उपलब्धि बताया था, जिसे विजय चौधरी ने खारिज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का ये दूसरी बार बिहार दौरा है। वे 15 नवंबर को जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और यहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये दौरा झारखंड चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी बिहार की धरती से झारखंड के मतदाताओं को गोलबंद करने का प्रयास करेंगे। इस समारोह का आयोजन खैरा प्रखंड के बल्लोपुर नदी घाट में किया जाएगा, जहां पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और अन्य शीर्ष नेता भी मौजूद रहेंगे। हेलीपैड का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने 19 जून को नालंदा में बिहार का दौरा किया था, जहां उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-0 से हार के बाद बेहद निराश हैं। ये पहली बार है जब किसी टीम ने भारत को घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। मुंबई में खेले गए अंतिम टेस्ट में भारत को 25 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि उसे जीत के लिए 147 रन बनाने थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने इस हार को अपने करियर का सबसे खराब दौर बताते हुए उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने स्वीकार किया है कि टीम ने कई गलतियां की और शुरुआती मैचों में पर्याप्त रन नहीं बनाए। रोहित ने अपने प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की है और कहा है कि उनकी योजनाएं इस सीरीज में सफल नहीं हो रही। भारतीय टीम की हार पर कप्तान रोहित शर्मा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1822 में दिल्ली में जल आपूर्ति योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ था। आज के दिन वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया था। इसी समय चंद्रमा के लिए भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 चंद्रमा के अंतरिक्ष कक्ष में पहुंचा था। हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रीता भादुरी का आज के दिन वर्ष 1955 में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1944 में पद्मावती बंदोपाध्याय का जन्म हुआ था। ये भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला एयर मार्शल। भारत में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजेक्शन का सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है, जहाँ अधिकांश लोग कैश लेकर घूमना बंद कर चुके हैं। जिसके इस्तेमाल के बाद अधिकतर लोग कैश लेकर घूमना बंद कर दिए हैं, लेकिन HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि नवंबर में 2 दिन के लिए UPI सेवा में रुकावट होगी। 5 नवंबर और 23 नवंबर को सुबह 12 बजे से 2 बजे और 12 बजे से 3 बजे तक ग्राहक UPI के माध्यम से पैसे ना भेज सकेंगे, ना ही रिसीव कर पाएंगे। इस दौरान पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और मोबाइल बैंकिंग ऐप जैसी सेवाएँ भी प्रभावित रहेंगी। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस समय फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं किए जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने चैट पर नजर रखने और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए व्हाट्सएप पर नई गाइडलाइन जारी की है। लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इस दावा को झूठा बताया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है राजीव यादव, रवि रंजन कुमार, विशेश्वर महतो, राहुल महतो, मुन्ना कुमार, मोतीलाल कुमार, प्रेमनाथ मिश्रा, शिव शक्ति, आलोक प्रियदर्शी, विनय कुमार, भरत पासवान, सपना कुमारी, आनंद शाह, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौसाद रजा, रणधीर कुमार, सुमन कुमार मिश्र, अंशु कुमार, मकसूद आलम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है।
इससे बिहार में खेल को कितना बढ़ावा मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।